हेलो गाइस, प्रणाम, नमस्कार, जोहार। अभी देख सकते हैं हम, ये सरिया काटने वाला मशीन है, ये हो गया ख़राब। अभी हम लोग आए हैं इधर सप्लाई में, हम लोग का काम नहीं, मगर सप्लाई में आए हैं बनाने के लिए मशीन, बेंच मशीन बनाए हैं। बेंच मशीन नहीं बोलते इसको, कटर मशीन बोलते हैं। सरिया कटिंग करने वाला मशीन है, सरिया कटिंग करने वाला मशीन है। तो फिर ये हो गया है, फट गया है बीच से, इसको खोलेंगे। फिर इसको ये बूंदा माटी का है, कास्टिंग वाला है, कास्टिंग का भी रड मंगाएंगे भी। उसके बाद इसमें कुछ सपोर्ट देके इसको वेल्डिंग करेंगे। फट गया है तो उसको भी दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं इसका नट बोल्ट खोलने के लिए, खोल रहे हैं। नट बोल्ट खोलेंगे पूरा, फिर इसका बॉडी निकालेंगे एक एक है। उसके बाद एक बार इसको वेल्डिंग किए थे, फिर टूट गया, बहुत दिन चला, उसके बाद टूट गया। फिर अमीन लोग का मिल गया काम, तो अभी आए हैं नट बोल्ट खोल रहे हैं। छः नट बोल्ट है, छः सात है, अभी खोलेंगे। उसके बाद देखिए अभी, फिर इसको खोलने के बाद दिखाएंगे कहाँ क्रेक हुआ है, वो भी दिखाएंगे। पहले भी मारे थे वेल्डिंग, वो भी दिखाएंगे। फिर वो वेल्डिंग ज़्यादा इसमें डाल देता है सरिया ना, तो ज़्यादा लोड लेने के बाद फिर तो वह टूटना ही है, चाहे वेल्डिंग मारिए चाहे कुछ मारिए, इसके कैपेसिटी ज़्यादा डाल देता है सरिया वाला, तो यही होता है, मार कर देता है, लोड लेता है तो टूट जाता है, फट जाता है। तो वही फिर फट गया है। ये देख सकते हैं ऊपर का ढक्कन खोल चुके हैं, ये पूरा एकदम ग्रीसी ग्रीसी अंदर में। अंदर में पूरा ग्रीस ग्रीस है, अभी देख रहे हैं एक बोल्ट, ये सब सब बोल्ट जो है स्लिप भी हो गया है पूरा। बोल्ट स्लिप हो गया है तभी इसको हम खोल रहे हैं। दो तो खोल चुके हैं, दो खोल चुका है, तीसरा हम लगे हैं। ये जाम चढ़ रहा है, इसी तरह जिसका नट नहीं उसका नट जबरदस्ती डाल के सब थर दिया। एक बार खोला था वो लोग, बैरिंग टूट गया था तो वही लोग खोला था, कोई दूसरा आदमी। जो बोल्ट है वो भी नहीं है, जो बोल्ट है वो ये चला हिलता ही नहीं, पूरा जाम चढ़ रहा। बोल्ट स्लिप हो गया तो टेकिन भी मार दिया है, हम ही लोग मारे थे टेकिन इसमें, क्योंकि कवर झक के निकल जाता था, लोड पड़ता था तो प्रेशर ज़्यादा रहता है ना सरिया काटने वाला है। ये देख रहे हैं मोटर है, बेल्ट है, रोला भी है, यही चीज़ है। अभी खोल रहे हैं, एक बोल्ट तो खोल चुके हैं, एक बोल्ट एक और है नीचे, दो बोल्ट बचे हैं अभी खोलेंगे। फिर थोड़ा टाइम लगेगा, इस वीडियो में बने रहे हैं कैसे वेल्डिंग करते हैं, कैसे वेल्डिंग करेंगे, ये तो सब सब देखने को मिलेगा आगे वीडियो वाला में। बनाएंगे कैसे वेल्डिंग मारेंगे, कैसे सपोर्ट दिए, सब सब देखने को मिलेगा इस वीडियो में। इस वीडियो में खाली इतना ही मिलेगा, कल का वीडियो में सारा इसका प्रोसेस मिल जाएगा, कैसे वेल्डिंग किए हैं नहीं किए हैं ये सारा चीज़ मिल जाएगा कल। आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आज खोले हैं, फिर जाएगा वेल्डिंग रड लाने के लिए, कास्टिंग का भी वेल्डिंग रड अलग आता है तो उसका भी जाएगा वेल्डिंग रड लेने के लिए। कसो इधर का मार्केट में मिल जाएगा तो सही है, नहीं मिलेगा तो फिर जाना पड़ेगा दूसरा जगह। छोटा मोटा मार्केट है, उतना कोई खास बड़ा मार्केट नहीं है, तो हो सके तो आज ही डाल देंगे, नहीं तो फिर कल डालेंगे। देखिए मैं खोलने के प्रयास लगाए हैं, हम्मड़ मारते हैं, हम्मड़ मारने के बाद देखते हैं खुलता है कि नहीं। एक है ना, ये टेकिन मारा है सरिया से, एक टेकिन मार दिए हैं, वही पकड़ रहा है थोड़ा मोड़ा।
वो पकड़ रहा है थोड़ा मुड़ा, तो अभी देख रहे हैं कैसे निकल रहे, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ऐसे निकल जाना चाहिए, उसको तोड़ेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग ऐसे बोलते हैं इसको गोंदा माटी। थोड़ा लोहा भी मिक्स रहता है, थोड़ा मिट्टी भी मिक्स रहता है, तो ज़्यादा इसमें हथौड़े मारने को पता चले वो टूट जाए, टूट जाएगा फिर लफड़ा लफड़ा है, इसलिए हम उतना नहीं मारते हैं हथौड़ी, कहीं पता चले दूसरा चीज़ बनाने आए तो फिर दूसरा तोड़ दिए, फिर कंपनी से जवाब देना पड़ेगा, जिसके वजह से उतना ये नहीं करते। देखते हैं प्रेम से निकालते हैं इसको, क्या होता है निकल पाए कि नहीं, ये निकल गया सब इसका, इसको साइड में रख देते हैं। अब दिखाते हैं अभी कहाँ, ये देखिए यहाँ टिक्की दिखता होगा हल्का फुल्का, ये देखिए जो टिक्की लगाए हैं वो टिक्की जो है इसको काट के निकालेंगे। ये देखिए क्रैक है, ये देख सकते हैं ना क्रैक हुआ है ना, बोल्ट जहाँ लगा वहाँ, ये देखिए ऊपर में भी ये क्रैक हो चुका है, ये देखिए ये सपोर्ट दिए थे तोड़ दिए, ये देखिए अभी क्रैक हो गया है, नीचे भी क्रैक हो गया है, पहले वेल्डिंग किए थे तो वेल्डिंग फट गया है टिक्की से। अभी इसको पहले ग्राइंडिंग वगैरह करेंगे, ग्राइंडिंग वगैरह करके फिर इसको ये करेंगे, अभी उसको निकाल देंगे, फिर दूसरा सपोर्ट लगाएंगे, लंबा डालेंगे, इसमें है ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही, देख सकते हैं पूरा क्रैक हो गया है, वहाँ क्रैक हो गया है, तभी इसको ग्राइंडिंग व्राइंडिंग फिर करेंगे, फिर वो अलग क्लिप निकालेंगे, टिक्की जो हम लोग टिक्की बोलते हैं इसको, टिक्की को उसको निकालेंगे, फिर वहाँ लंबा भर देंगे सपोर्ट, लंबा सपोर्ट दे के फिर मारते हैं, देखते हैं लोड ज़्यादा दे देता है ना, लोड देने की वजह से ये सब हो रहा, नहीं तो नहीं होता। अब इसको अंदर का ग्रीस साफ कर लेते हैं, क्योंकि वेल्डिंग मारने के बाद ना ये ग्रीस में थोड़ा ये हो जाता है, इसके वजह से इसको पूरा सफाई कर लेंगे, थोड़ा सा हीटिंग करेंगे, हीटिंग करने के बाद ग्रीस जो है पिघल के जो भी होगा सो निकल जाएगा, उसके बाद ग्राइंडिंग व्राइंडिंग करके फिर उसमें वेल्डिंग करेंगे। ये देखिए पोछ रहे हैं वहाँ, वहीं पर हो गया है क्रैक, पूरा क्रैक हो गया, वहाँ से देख रहे हैं जितने देर पोछ रहे हैं उधर उधर पूरा क्रैक हो गया है, और साइड से निकल गए, साइड तो कुछ नहीं हुआ, जिधर लोड पाया कमज़ोर हो गया उधर फिर तोड़ दिया। 50 भाई की सकते हैं, अगला वीडियो में दिखाएंगे कैसे वेल्डिंग कर रहे हैं, कैसे क्या करेंगे, अगला वीडियो में बने रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब।